नमस्कार। किसानों के हित में जीएसटी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के कृषि क्षेत्र में योगदान पर एक लेख लिखा है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। बैठक में श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज और खांड, शीरा या गुड़ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से न सिर्फ आम लोगों को फायदा होने वाला है बल्कि ये किसान हितैषी भी हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। आज परिषद ने इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि फैसला लिया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा, पहले ये 67 वर्ष था। President and the members, it was 67 and 65 respectively. Whereas what we have now done is the tenure can be up to 70 and 67 respectively. For president it is 70, earlier it was 67. For the member it is 67 now, earlier it was 65. The minimum age of appointment, of course, was not specified earlier, but we are now saying for the appointment as president and member is recommended to be 50 years minimum age. Advocates up to 10 years of experience. Am I right, Sanjay? Up to 10 years of experience they should have minimum to be able to be considered for appointment as a judicial member. तो ये तो एक महत्वपूर्ण फैसला था जो अपीलीय प्राधिकरण को लेकर लिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट्स या श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि यदि पाउडर के रूप में बाजरा या अन्य मिलेट्स को किसी अन्य आटे के साथ मिश्रित किया जा रहा है जहाँ वजन के अनुसार कम से कम 70% मिलेट है तो उन उत्पादों पर 0% जीएसटी लगेगा। इन पाउडर फॉर्म मिलेट्स being blended with any other atta, for instance, where the millets composition is 70%. We state that they will be having a 0% GST if sold in other than pre-packaged and labeled form, meaning when they are sold loose or when they are packed but with no pre-packaging in the sense of branding or name or what, nothing else. So 0% if they are sold loose and 5% only if sold pre-packaged and in a labeled form. तो जीएसटी में एक दो और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखबारों में एक लेख लिखा है। प्रोफेसर स्वामीनाथन का बीती 28 सितंबर को चेन्नई में निधन हो गया था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उन्होंने एमएस स्वामीनाथन को लेकर लिखा। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति को खोया, ये प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है। प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ये अपने लेख में कहा है। उन्होंने कहा कि 1943 के बंगाल के अकाल से द्रवित होकर उन्होंने कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने की ठानी। डॉक्टर नॉर्मन बर्लॉग के काम को गहराई से समझा, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ भारत में रहकर देश के लिए वो काम करना चाहते थे। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था। डॉक्टर स्वामीनाथन की दृढ़ प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि क्षेत्र के एक नए युग की शुरुआत की।
कृषि और गेहूं प्रजनन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यों से गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई, ये प्रधानमंत्री ने एम एस स्वामीनाथन को लेकर अपने लेख में लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर राष्ट्र बना। भारतीय हरित क्रांति के जनक की उपाधि उनको मिली, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उनके द्वारा रखी गई नींव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आलू की फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी अनुसंधान उन्होंने किया था। 1990 के दशक से ही मिलेट्स को प्रोत्साहित किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज फैसला जीएसटी में मिलेट्स को लेकर हुआ है। और गुजरात में किस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना की उन्होंने सराहना की, अपने बहुमूल्य सुझाव भी साझा किए, ये प्रधानमंत्री ने अपना अनुभव लिखा है। और उन्होंने लिखा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हमारी बातचीत चलती रही। वो किसानों के वैज्ञानिक थे, उनके दिल में किसान बसता था। अकादमिक उत्कृष्टता लैब के बाहर खेतों और मैदानों में स्पष्ट रूप से दिखती है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वकालत की है उन्होंने, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उन तक नवोन्मेष का लाभ पहुंचाने पर बहुत जोर दिया। महिला किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति वो समर्पित थे। इनोवेशन और मेंटरशिप को बहुत बढ़ावा देते थे। अनगिनत प्रतिभाओं को निखारा और उनमें सीखने और इनोवेशन के प्रति जुनून पैदा किया, ये प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है। उनका जीवन हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और इनोवेशन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। प्रोफेसर स्वामीनाथन एक संस्थान निर्माता भी थे, ये प्रधानमंत्री ने लिखा। उन्होंने लिखा कि उन्हें कई ऐसे केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है जहां आज वाइब्रेंट रिसर्च हो रही है। अंत में उन्होंने लिखा कि डॉक्टर स्वामीनाथन का योगदान हमें निरंतर प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल ने आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे। एक फैसला जो आपको बता चुके हैं, श्री अन्न पर बड़ा फैसला लिया गया है। खुला अनाज पाउडर या आटा जिसमें 70% मिलेट्स हो या श्री अन्न हो, उसमें जीएसटी शून्य कर दिया गया है। और प्रीपैकेज्ड और लेबल लगे होने पर 5% जीएसटी लगेगा। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला जो आज जीएसटी काउंसिल की ओर से लिया गया है, खांड, शीरा या गुड़ पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% की गई है। गन्ना किसानों को इसका काफ़ी फायदा होगा। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर कर का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है, उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है जीएसटी लगाने को लेकर के, तो इसका भी फायदा किसानों को होने वाला है। तो इन्हीं सब मामलों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस के मल्होत्रा, डायरेक्टर हैं ICAR के और फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हमारे साथ संदीप दास जुड़े हुए हैं, सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मल्होत्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आज जो एक तो जीएसटी का फैसला हुआ है, ये इसमें जो दो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, और हालांकि जो तीसरा फैसला है वो भी कहीं ना कहीं ये किसानों के हित में है, आम लोगों के हित में है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की ओर से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को याद करते हुए जो आज लेख लिखा गया है विभिन्न अखबारों में, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बातें कही हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो आज की सरकार की पॉलिसीज़ हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, उसमें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जो दृष्टि थी वो कितनी झलकती है? जैसा कि बात हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग बात याद भी कर रहे हैं उनको, माननीय श्री एम एस स्वामीनाथन साहब के योगदान को, कि देश में जो हरित क्रांति के जनक के रूप में उनकी पहचान है, और उनका जो एक विजन था, मैं आज भी उस विजन को दोहराना चाहूंगा, वो सिर्फ ग्रीन रिवोल्यूशन तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक ऐसी परिकल्पना की थी जिसमें उन्होंने कहा था एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो वो जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके साथ मैं जोड़ करके बताना चाहूंगा, क्योंकि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन को मैं मुख्य रूप से जोड़ूंगा सतत खेती के साथ, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि निश्चित रूप से जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी खाद्य पूर्ति के लिए हम, और दूसरा ये है कि हमारी जो जितने भी रिसोर्सेज है उनका दोहन जो है एक प्रकार से उचित रूप से हो, ऐसा ना हो कि हम ज्यादा दोहन करें जिससे कि विपरीत असर पड़े हमारी
खेती पर जमीन पर जो है उसका विपरीत असर जाए। तो उनका जो उनकी जो एक परिकल्पना थी, सोच थी, उनका ये कहना था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत खेती और हमारी खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा ये सुनिश्चित हो और वो निरंतर रूप से जो है उपलब्ध होती रहे। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे अभी मिलेट की भी हम बीच में बात कर रहे थे कि उनका एक विजन था जो सबसे ज्यादा हमारा जो बोझ रहता है वो गेहूं और चावल पर रहता है। वो कहते हैं कि गेहूं और चावल पर जो है हमारी खाद्य जो है वो निर्भर है, तो उसका जो बोझ है उसको कम करें और मिलेट जैसी फसलें हैं उनको लेकर के आए। ये सब बातें सन 1990 में प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब ने कही थी। और साथ में जो उनका खाद्य सुरक्षा वाली बात थी कि उसको कैसे लिया जाए, क्योंकि 1960 और उसकी बात करता हूँ 1950 के आसपास जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, उस टाइम में जो हमारी हमारा जो खाद्यान्न था वो कुल 50 मिलियन टन था और 1960 के आसपास हमें दिक्कत भी आई और कमी जो महसूस की गई क्योंकि उस टाइम में फेमाइन भी आया था, तो करीब 60 मिलियन टन था। तो उनके योगदान से जो नई इसमें थी गेहूं की और चावल की, उनको इंट्रोड्यूस किया गया और गेहूं को जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बात करते हैं, जो हमारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और साथ में पंजाब का जो क्षेत्र है वहां पर उन नई किस्मों को जो इंट्रोड्यूस किया गया, हमारा उत्पादन एकदम बढ़ा और जा करके 1967-68 के आसपास हम लोग 95 मिलियन टन पर पहुंचे। वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन था, वो सब कुछ जो संभव हो पाया था वो डॉक्टर स्वामीनाथन साहब के जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि उनके जो दूरदर्शिता थी उनकी वजह से जो है ये सब संभव हो पाया था। तो ये मैं सीधा उसी के साथ जोड़ करके मैं बताने का प्रयास किया है मैंने। ठीक है संदीप दास जी, आज जो फैसला हुआ है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को लेकर जो लेख लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि 1990 के दशक से ही मिलेट्स को वो प्रोत्साहित करते थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और आज जो फैसला हुआ है जीएसटी काउंसिल में मिलेट्स को लेकर के वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिलेट्स को प्रोत्साहित करता है, स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है, किसानों के लिए फायदे की बात है। इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं जो आज 0% जीएसटी लगाने का फैसला हुआ है मिलेट्स वाले जो आटा है उस पर? हाँ, उसमें बहुत करीब जो 70% जो जीएसटी का फैसला है कि 70% अगर कोई आटे में अगर मिलेट मिला हुआ है तो जो रागी ये सब मिला हुआ है तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये जो भी जो मिलेट का किसान है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, उसका इसका ऊपर कीमत पर भी उसका असर पड़ेगा क्योंकि पहले 18% का वो था और जो और 18 से 5% करना वो बहुत बड़ा एक बहुत सारे इंडस्ट्री आपका जानकारी जब बता तो बहुत सारे बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री भी मिलेट को प्रोडक्ट लेकर क्योंकि हेल्दी फूड है उसको लेकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी मिलेट का प्रोडक्ट कर रहे हैं जो कि अल्टीमेटली फार्मर्स को फायदा होगा। मिलेट देखिए हमारा जो स्पेस रहा है कुकेन प्रोडक्शन जो मेंशन जी का होता था राइस वीट को लेकर, बट मिलेट हमारा पुराना जो क्या है रेनफेड एग्रीकल्चर है, कम पानी का खपत लगता है, फार्मर्स के लिए फायदेमंद है और हेल्दी भी है। ये सब देखकर ये जीएसटी का फैसले में इसका असर प्राइस में ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा इसके ऊपर क्योंकि अगर कोई जीएसटी नहीं लग रहा होगी उसका पैसा उसका जो आटा है जो 70% मिलेट और 30% और मिलाकर अगर जो आटा बेचा जाएगा मार्केट में तो उसका अभी क्या हो रहा है जो रागी आटा बेचा रहे हैं थोड़ा सा महंगा है जो गेहूं के आटा से, तो उसका पर बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये बहुत दिन से इंडस्ट्री का नाम था और ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि मिलेट को यूज करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़े सोचते हैं 18% एक बहुत बड़ा टैक्स होता है तो उसको भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ओवरऑल जो इकोसिस्टम है ना मिलेट का जो इकोसिस्टम है क्योंकि कंपनियां भी यहाँ आ चुकी है, फार्मर्स वहां से प्रोक्योरमेंट हो रहा है क्योंकि सरकार का प्रोक्योरमेंट से नहीं होने वाला है मिलेट का, तो सरकार मतलब फार्मर्स कंपनी भी खरीद रही है। तो ये जो जीएसटी का फैसला है बहुत वेलकम स्टेप है पर इसके वजह से उसका प्राइस में असर पड़ेगा, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा तो हमारे साथ मिलेट एक आम फूड की तरह जो फूड चेन में ग्रेजुअली आ रहा है आ भी चुका है बट इसके फैसले से और भी ज्यादा आ जाएगा। जो हेल्दी जो डाइट है उसके उसको कंजम्पशन मिलेगा और फार्मर्स का इंसेंटिव भी मिलेगा कि फार्मर्स उसको ग्रो करें, मोर मिलेट प्रोड्यूस करें क्योंकि ये तो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बहुत ये होगा। ठीक है मल्होत्रा जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जो आज मिलेट्स को लेकर ये फैसला किया गया है कि 70% मिलेट्स जिस आटे में होगा, जिस पाउडर में होगा उसमें
अगर वो खुला हुआ है तो उसमें 0% जीएसटी लगेगा जी। इसमें मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में जो मिलेट का उत्पादन होता है वो लगभग 16 से 17 मिलियन टन के आसपास होता है, और उसमें 50% जो है वो करीब करीब फूड प्रोसेसिंग में जाता है, बाकी 50% जो है हम खाद्यान्न के रूप में यूज कर लेते हैं, चाहे जैसे रावा, उपमा, जो उसकी खिचड़ी बनती है, पोरिज जिसको हम बोलते हैं, बॉयल्ड के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन उसको निकाल करके जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड निकल करके आ रही है सामने, जिसमें कि बाजरा को हम लोग एक तरह से मिलिंग का मतलब है फ्लोर में कन्वर्ट कर लिया आटे में, उसके बाद से उसके बिस्किट बनते हैं, नूडल बनते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, और उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और भारत सरकार का जो ये फैसला है बहुत अहम फैसला है, इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इसकी MSP तो डिक्लेयर की है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के जो इससे सपोर्ट मिलेगा उससे जो है डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान को जो है उसको जो उत्पादन कर रहा है उसका अधिक मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, और एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अलग तरह की एक मांग निकल करके आएगी। चूंकि हम अभी इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मना रहे हैं, तो इस इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट में डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ करके ऊपर आई है, बहुत सारे देश हमारे भारत के मिलेट के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये मैं इन सब चीजों से जोड़ते हुए देख रहा हूं कि जिसका सीधा से सीधा फायदा हमारे किसान को मिलने वाला है, और किसान घरेलू स्तर पर उसको जो प्रसंस्करण करके उसका भी लाभ उसको मिलेगा। तो ये सब चीजों को जोड़ते हुए और फूड प्रोसेसिंग की वजह से और नए प्रोडक्ट जो है भारत के हमारे हैं, जो चाहे बाजरा के हैं, ज्वार के हैं, चाहे नाचनी है, नाचनी का मतलब रागी है, तो ये सभी जितने प्रोडक्ट हैं, ये एक इनकी मांग सामने निकल करके आएगी और सीधा लाभ जो है हमारे किसानों को लगेगा और हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार फिर इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का जो लेख है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को लेकर, विभिन्न अखबारों में लेख छपा है उसको लेकर भी हम बातचीत कर रहे हैं। संदीप जी, ये जो GST काउंसिल की ओर से एक और महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, जो मोलेसिस है, जिसको हम आम भाषा में शीरा, खांड या गुड़ बोलते हैं, उस पर भी GST को घटाया गया है, 28% से घटाकर 5% किया गया है, इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, खासकर गन्ना किसानों पर या उससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है उस पर? ये मिलेट की तरह ही जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो जो गन्ना किसान जो जुड़ा हुआ है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसको खांड, इसको एक थोड़ा सा उस हिसाब से ये भी एक हेल्दियर माना जाता है, किन्नी से तो हेल्दियर बन रहा है, खांड और सिरप हेल्दियर मतलब, तो उसको भी जो बूस्ट मिलेगा, क्योंकि GST कंपनी से देखिए 18% एक बहुत बड़ा एक स्लैब था, वहां से 5% घटा देना, मतलब उसको सोच सकते हैं प्राइस के ऊपर कितना, मतलब करीब करीब 13% का कम अगर होता है GST, इसका मतलब कितना उसको पड़ेगा, जो जो खांड बनाने वाले हैं, जो जो अदर जो शुगर के इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, जो किसान, सीधा सीधा किसान का फायदा होगा, और कंज्यूमर का जो प्राइस है जो खांड के लिए हम देते हैं, थोड़ा सा महंगा है खांड अभी आप देख लगे, तो वो कम हो जाएगा प्राइस, या अल्टीमेटली जो प्राइस जो जो मैं मिलेट की बारे में ही बता रहा था, जैसे रागी आटा और गेहूं का आटा में जो अंतर है प्राइस, ये GST काउंसिल के बाद वो अंतर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो जैसे डिमांड बढ़ेगा कंज्यूमर डिमांड, उस हिसाब से फिर फार्मर्स को फायदा भी पड़ेगा, फार्मर्स भी अच्छा ग्रो करेंगे, एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का प्रोक्योरमेंट, तो सरकार ये सब चीज प्रोक्योर नहीं कर सकती है सारी चीज, अल्टीमेटली फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को करेगा, कि मिलेट सारा, हालांकि हम लोग का मिलेट देने का PDCS सिस्टम में मिलेट का प्रावंध है, बट मिलेट को व्यापक तरीके से अगर अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जोड़ के, और प्राइस सेंसिटिव भी जानते हैं हमारे कंज्यूमर, एक बहुत बड़ा प्राइस सेंसिटिव है, तो पूरा जो GST काउंसिल का आज जो फैसला है, इसके बाद मिलेट का प्रोडक्ट, नूडल्स जितना भी प्रोडक्ट है और एक खांड भी है, उसका प्राइस बहुत कम होने वाला है, और बूस्ट मिलेगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, और सीधा सीधा फायदा फार्मर्स को होगा। ठीक है,
मल्होत्रा जी, एक और फैसला है जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को लेकर के एक फैसला लिया गया है जीएसटी काउंसिल के अंदर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसमें सुनवाई भी चली थी और अंततः ये कहा गया कि ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है, इस पर कोई यूनियन की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाला है? अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि गन्ने की जब हम बात करें तो गन्ने का उत्पादन हमारा बीच में अगर आप पिछले 2-3 वर्षों में देखेंगे हमारा बहुत अधिक उत्पादन हुआ है, और शुगर की रिकवरी वाली ऐसी किस्में आ गई हैं जिसमें कि शुगर की रिकवरी भी ज्यादा हुई। तो कई बार क्या होता था कि हमारा जो एक तरह से चीनी जो बनकर के आई मिलों से वो जो है पूर्ण रूप से उसके सही रेट नहीं मिल रहे थे, या कुछ जो है दिक्कत आ रही थी जब मिल की बात आती थी, मिल में शुगर और उसकी बात करने के लिए। तो जब ये जो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि इसको इसका जो एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जिसमें कि इसको जीएसटी को कम किया गया है और इथेनॉल की तरफ ले जाने के लिए इसका प्रयास किया गया है कि किसान अगर जरूरी नहीं है कि जो शुगर मिल है सिर्फ उसकी चीनी ही बनाएंगे, तो उसके जो 3 तरह के अलग अलग तरह के होते थे, पहले क्या होता था सी मोलेसिस से जो है उसका इथेनॉल बनता था, और इसके बाद से अब ये भी परमिशन मिल गई कि हम बी और ए इथेनॉल जो पहली क्वालिटी का अच्छी गुणवत्ता वाला जो इथेनॉल है वो भी बनाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास कभी बीच में कमी या अधिकता आती है उसको बैलेंस करने में जो है लाभ मिलेगा, और जो एक तरह से किसानों को कई बार जो मिल है वो पूरा पैसा कई बार नहीं दे पाती थी, तो वो जो है वो समस्या भी हल हो जाएगी, और इससे प्रोसेसिंग में भी जाएगा और एक बैलेंस जो है वो बना रहेगा जिससे कि इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, और किसानों के लिए जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये फैसला। ठीक है संदीप जी, अब हम वापस जो प्रधानमंत्री की ओर से लेख लिखा गया है उसकी ओर चलते हैं। तो प्रधानमंत्री ने MS स्वामीनाथन को याद कर जो लेख लिखा है उसमें उन्होंने छोटे किसानों की बात की है, उसमें उन्होंने महिला किसानों की बात की है, साथ ही साथ इनोवेशन मेंटोरशिप की बात की है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो प्रधानमंत्री डॉक्टर MS स्वामीनाथन को लेकर लिख रहे हैं, लेकिन इस सरकार की अगर हम नीतियां देखें, चाहे आज के फैसले देखें, इससे पहले के हम फैसले देखें छोटे किसानों को लेकर के, महिला किसानों को लेकर के, कितना बड़ा फर्क जो MS स्वामीनाथन का विजन है वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के जो फैसले हैं किसानों को लेकर के उसमें दिखता है? देखिए स्वामीनाथन जी, प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत सही कहा कि वो एक किसानों के साइंटिस्ट थे, मतलब फार्मर साइंटिस्ट थे या फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं थे, वो किसानों के साइंटिस्ट थे। तो ये बहुत बड़ा है कि उनका टर्म था, उनका जो ब्लॉग उन्होंने लिखा है, और संविधान जी का कंट्रीब्यूशन वही रहा है कि प्रोडक्शन के अलावा प्रोक्योरमेंट भी, जैसे परचेस होता है गेहूं और चावल, उसको लेकर भी संविधान जी करते कि जब तक MSP का प्रोक्योरमेंट नहीं होगा तो किसान को फायदा कैसे पहुंचे। तो इस सरकार को पॉलिसी आप देखेंगे, गेहूं चावल तो खरीदती है, उसके अलावा आप देखोगे अगर तमाम लोग 7-8 साल तक उनके फल जो जैसे चना हो गया, मूंग गया, बहुत सारे डाले भी खरीद जाता है, और जो मस्टर्ड जो ऑयल सीड्स है उसको भी खरीद जाता है MSP के अंडर में। तो ये सरकार का ये प्रयास है कि प्रोक्योरमेंट बढ़े, और प्रोक्योरमेंट बढ़ने से किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको फायदा पहुंचे, और एक होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर जो स्वामीनाथन जी जो इनफैक्ट आप संविधान जी का लेख आप पढ़ोगे लेटर पार्ट ऑफ द ईयर कि वो कंसर्न थे जब ग्रीन रिवोल्यूशन एरिया में जो एक्सिव पेस्टिसाइड यूज होना शुरू किया, फर्टिलाइजर यूज होने लगा, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी बात की है। तो सरकार का प्रयास भी आप देखोगे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रमोशन में आप देखोगे, नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात हो रहा है, तो ये संविधान जी का देन है कि कैसे आप बैलेंस एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया, कैसे ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत हेल्प किया। ठीक है बिल्कुल। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मल्होत्रा जी अंतिम कमेंट आपसे चाहेंगे, यही सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो लेख लिखा है काफी महत्वपूर्ण उसमें बिंदु हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जो विजन है उसका कितना प्रभाव आप जो वर्तमान सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी जो नीतियां हैं किसानों को लेकर के, कृषि को लेकर के, उसमें आप देखते हैं? हाँ जी, क्योंकि उसमें जैसे डॉक्टर स्वामीनाथन साहब ने जो एक परिकल्पना की थी कि उस टाइम में जब हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी, जमीन बहुत थी, तो जमीन के अंतर्गत जो है हम अच्छे बीजों को लेके गए, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है जिसमें हमारे पास जमीन वही की वही है, खेती की जमीन, लेकिन उसी खेती की जमीन से अधिक उत्पादन लेना है। तो उन्हीं की जो परिकल्पना थी
की प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ होनी चाहिए, उत्पादकता के आधार पर जो है हमारी उत्पादन बढ़ना चाहिए। तो उन्हीं की दी हुई हाई यील्डिंग वैरायटीज की वजह से हमारा जो है उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है, और आज हम 50 मिलियन टन से लेकर के अभी 323 मिलियन टन पे पहुंच गए हैं, जो अगर आप कंपेयर करें तो 6.6 गुना जो है ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। तो इसका जो श्रेय है मैं डॉक्टर स्वामीनाथन साहब को भी देना चाहूंगा, और उनके द्वारा जो गेहूं की जो किस्में थी और चावल की जो किस्में थी उनको जो है बढ़ावा मिला। दूसरा ये है कि उनका जो प्रयास था कि देश में एक कृषि से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित जो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसको मजबूती मिले, तो उनके दौरान क्योंकि वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी रहे हैं और साथ साथ में उनके पास DGICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के DG भी रहे हैं, तो उस टाइम में बहुत से विकास के काम हुए थे और देश में इंस्टीट्यूशनल सेटअप को, जो अनुसंधान का इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसको बढ़ावा मिला था। और यही वजह है कि आज हमारे पास 113 अनुसंधान केंद्र है जो विभिन्न विभिन्न फसलों पर जो है अलग अलग कृषि जलवायु में काम कर रहे हैं, और ना केवल खाद्यान्न में बल्कि अभी उन्हीं के जो परिकल्पना थी कि उसी के आधार पर आज हम फल सब्जियां और मेडिसिनल प्लांट्स और मशरूम और जितने भी हमारे ठीक है, ठीक है मल्होत्रा जी, बिल्कुल वक्त कम है हमारे पास, वक्त खत्म हो गया इस कार्यक्रम का, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर GST के आज के जो फैसले हैं ये किसानों के हित में हैं, और साथ ही साथ अगर हम मिलेट्स की बात करें या दूसरे फैसलों की बात करें तो आम लोगों को भी इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, चाहे हम उनके स्वास्थ्य की बात करें या किसानों के फायदे की बात करें, काफ़ी फ़ायदेमंद आज के फैसले हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नमस्कार।